अगर मेरा काम नहीं हुआ तो भी तुम सुकून से नहीं रहोगी, समझी? मां बच्चे की मां है? ओह माय गॉड। पिछले हिस्से में हमने आपको बताया कि कैसे महानूर बलोच का एक्स हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करता है। फरियाल सब सुनने के बाद महानूर से इस बारे में पूछती है। महानूर बेहोश हो जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। बीजान ये सुनकर बहुत दुखी होती हैं। फरियाल बीजान को हौसला देती हैं, लेकिन वो कहती हैं किस्मत पर रोने के लिए वो अकेली काफ़ी हैं। फरियाल दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर वो कौन था जो महानूर को ब्लैकमेल कर रहा है और वो ये बात किसी को बताए या नहीं। उधर महानूर भी इसी बात पर परेशान होती है कि फरियाल किसी को कुछ ना बता दे। फरियाल अपने माँ बाप से हुमायूं सईद और आमना हक की शादी की बात करती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। वो लोग कहते हैं कि एक बेटी का दुख कम है जो अब दूसरी भी। फरियाल के इसरार पर वो आमना हक से उसकी राय पूछते हैं। आमना हक जो कि पहले से यही चाहती थी हाँ कर देती है। महानूर अपनी माँ से गिला करती है कि आखिर उसने झूठ बोला ही क्यों था, सब सच बता देती, उन्हें शादी करनी होती तो करते, ना करनी होती तो ना करते। उसकी माँ कहती है कुछ दिन सब्र कर लो, औलाद हो जाए तो ज़रूर बता देना। भी जान जावेद शेख और फरियाल के साथ हुमायूं सईद का रिश्ता लेने जाती हैं, जिसके बाद धूमधाम से हुमायूं सईद और आमना हक की शादी हो जाती है। महानूर अपने पहले शोहर का 3 लाख का मुतालबा भी पूरा कर देती है, लेकिन 3 लाख लेने के बाद वो दोबारा महानूर की माँ के पास आता है और कहता है कि वो बाहर जा रहा है और उसने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए दे दिया है। उसे अब 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, 5 लाख दे दो हमेशा के लिए, जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ आमना हक फरियाल से कहती है कि जो चांस मिस हो गया है वो महानूर बलोच को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, उसे वहीं वापस भेजें जहां से वो आया है। इनके पेरेंट्स को लंदन वापस जाना होता है, इसलिए बीजान के कहने पर उनकी दावत की जाती है, जिसका सारा इंतज़ाम आमना हक करती है। महानूर का पहला शोहर 5 लाख का मुतालबा याद करवाने के लिए महानूर को फ़ोन करता है और पहले की तरह फरियाल भी ये फ़ोन सुन लेती है। वो महानूर से कहता है कि एक हफ्ते में 5 लाख ना मिले तो वो अपना बच्चा ले जाएगा। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो भी तुम सुकून से नहीं रहोगी, समझी? माँ बच्चे की माँ है? ओह माय गॉड। महानूर की माँ उसे कहती है किसी तरह 5 लाख दे दो, वो चला जाएगा तो जान छूट जाएगी। लेकिन महानूर के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती। वो अलमारी से जावेद शेख के रखे हुए 3 लाख अपनी माँ को देती है और कहती है बाकी के 2 लाख के लिए वो कोशिश करेगी। जावेद शेख वो रकम रख के भूल चुका था, लेकिन एक दिन अचानक ज़रूरत पड़ने पर उसे याद आता है और वो बहुत ढूंढता है। महानूर कहती है आपने मुझे रकम नहीं दी थी, जिस पर वो कहता है कि उसे याद है और वैसे भी तुमने पैसों का क्या करना है। खैर उस वक्त फरियाल अपने पास रखी हुई रकम दे देती है। उस रात फरियाल बीजान के कमरे में जाती है और बड़ी महारत से बीजान के हीरे के कंगन निकाल लेती है।
है।